जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैलेंजिंग सिंगल विकेट मैच है। पिछली दफ़ा जो मैच हुए थे वो नवीद ने जीते थे, इस दफ़ा दोबारा उन्होंने उनको चैलेंज किया और रिजवान आए हैं हमारे पास, मेहमान प्लेयर हैं और उनका पाकिस्तान से तलोक है, गुजरात से, और बॉलिंग एंड पर मौजूद है नवीद। पहली गेंद और ये उठाकर खेलने में नाकाम और कुछ भी नहीं है, बाउंड्री सिर्फ 6 है जी। पहली गेंद बिल्कुल डाट हो गई है और कोई स्कोर नहीं है। अब दूसरी गेंद कराएंगे, नवीद सामना करेंगे रिजवान, देखना होगा इस बार फिर बाउंड्री लिखा पाते हैं कि नहीं। जीतने के लिए चाहिए बड़े शॉट्स और ये उठाकर खेल दिया, लेकिन देखना होगा नवीद कैच पकड़ पाते हैं या नहीं, और ये कैच ड्रॉप जी। दो बॉल डाट हो चुकी हैं, अभी तक कोई सिक्स नहीं आया। और तीसरी गेंद कराएंगे, नवीद सामना करेंगे रिजवान, देखो देखो कौन आया। कमाल की शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट और 6, अंपायर का इशारा देखना होगा जी। 3 बॉल्स पर 1 6 आ चुका है, अभी चौथी गेंद कराएंगे नवीद। और आज दोनों प्लेयर्स फॉर्म में हैं और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, बड़ा टफ मुकाबला होगा। और चौथी गेंद कराने के लिए तैयार, कमाल का आउटस्टैंडिंग बॉल और बिल्कुल नहीं समझ पाए, और गेंद आउट जी। 4 बॉल्स हो चुके हैं और 1 6 लगा अभी तक, और 5वीं गेंद करवाएंगे नवीद, और देखना होगा कमाल की बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। नवीद बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं रिजवान। और की लास्ट बॉल अभी तक 1 6 है, और देखना होगा इस बॉल पर बैटिंग लगा पाते हैं कि नहीं, और बिल्कुल नहीं समझ नहीं दी यार, गेंद उनको लग गई है। बी सेफ। ओके जी, नवीद को चाहिए 2 6 जीतने के लिए, रिजवान है बॉलिंग करवाई और देखना होगा बाउंड्री, और 9 बॉल सीधा उनके मुंह पे लग गई है। जिस बॉल पर है फ्री हिट, उनका पहली जो बॉल है नवीद के वो फेस पे लगी है, और इस बॉल पर देखते हैं कि नवीद 6 लगा पाते हैं कि नहीं, उनके बड़े अपॉर्चुनिटी है। और बिल्कुल नहीं समझ नहीं दिया, कमाल की बॉलिंग दोनों साइड से, अगर जीतना तो बड़े शॉट्स लगाने होंगे। दोनों प्लेयर आज फुल फॉर्म में जी। ओवर की पहली गेंद बिल्कुल डाट हो चुकी है, दूसरी गेंद करवाएंगे रिजवान, और नवीद को चाहिए जीतने के लिए 2 6 ओवर में, 5 गेंदों पर 2 6 बाकी हैं जीतने के लिए। आज दोनों प्लेयर फुल फॉर्म में हैं और वही जीतेगा जो अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेगा, और दूसरी करवाएंगे बिल्कुल नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए डाट जी। 2 डाल जी, बिल्कुल 2 बॉल डाट हो चुकी हैं, अभी 4 बॉल्स पर चाहिए 2 6 जीतने के लिए, 1 6 बराबर। तीसरी गेंद करवाने के लिए तैयार, और एम्पायर का इशारा वाइट जी। ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं रिजवान, सामना करेंगे नवीद, जीतने के लिए बड़े शॉट्स लगाने होंगे, और बिल्कुल नहीं समझ पा रहे गेंद को, क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। लास्ट टाइम नवीद ने जीता था बेस्ट ऑफ 3, और इस दफ़ा दोनों फॉर्म में, और रिजवान बिल्कुल नहीं समझ नहीं दे रहे बॉल को, अभी 2 बॉल्स पर 2 6 चाहिए जीतने के लिए, 1 6 है बराबर जी। ओवर की है 2-2 गो, और कोई भी बाउंड्री नहीं है अभी तक, अभी नवीद देखते हैं कि ये मैच बराबर कर पाते हैं कि नहीं। रिजवान करवाएंगे 5वीं गेंद, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मजारा करें रिजवान अभी तक, और बिल्कुल नहीं बाउंड्री आई अभी इस ओवर में, और बिल्कुल डाट जी। ओवर की लास्ट बॉल है, और जीतने के लिए 2 6 चाहिए थे लेकिन नहीं लगा पाए, अभी बराबर करने के लिए 1 6 का चांस बाकी है, देखते हैं कि फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मजारा किया है रिजवान ने, बिल्कुल नहीं बॉल को समझ नहीं दिया, नवीद बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं लेकिन, और ये उठा कर खेल दिया, और मैच टाई पहला जी। पहला मैच बिल्कुल हो चुका है टाई, और दूसरा मैच स्टार्ट है, नवीद करेंगे बॉलिंग और बैटिंग करेंगे रिजवान। पहली गेंद को रही और ये बिल्कुल नहीं समझ पाए डाट, पहली गेंद डाट। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मज़ारा कर रहे हैं, दोनों प्लेयर जो हैं बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, और बैटिंग की तरफ से नहीं इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहे हैं दोनों, कमाल की बॉलिंग, कमाल जी। 2 बॉल डाट हो चुके हैं अभी तक, और तीसरी बॉलिंग करवाएंगे नवीद, और कमाल की बॉलिंग यार, उतनी अच्छी शॉट खेली लेकिन 6 नहीं जी। 3 बॉल डाट हो चुकी हैं, और चौथी बॉल करवाएंगे नवीद, सामना करेंगे रिजवान, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई, दोनों तरफ से बड़ी अच्छी गेम हो रही है, और देखना होगा बाउंड्री लगा पाते हैं कि नहीं, और ये अंपायर का इशारा वाइट। अगर रिजवान को जीतना तो उनको लगाने होंगे बड़े शॉट, और नवीद ने अगर जीतना तो उनको बॉल करने होंगे सेव, अभी देखते हैं कि कौन होगा सिकंदर। कमाल है यार, कमाल का फ्लिक किया और बिल्कुल मिड ऑन पे 6 उठा के खेलने में कामयाब। लास्ट मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, नवीद को पहली बॉल पर लगा था 6, और नवीद ने लगाया था लास्ट बॉल पर 6, और मैच हुआ था टाई। कमाल का यार कर, आउटस्टैंडिंग, अभी 5 गेंदों पर 1 बाउंड्री लगाने में कामयाब रिजवान, और ओवर की लास्ट गेंद करवाएंगे नवीद। ले जी 1-2 गो है, और 1 6 है, और ये देखना होगा जी, अभी नवीद को चाहिए 2 6 जीतने के लिए, पहले ओवर में भी 2 6, और बिल्कुल नहीं समझ पाए बॉल को, देखना होगा कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं, और 2 माइनस। अब नवीद को
तीन सिक्सेस करने होंगे जीतने के लिए। पहली बॉल बिल्कुल नहीं समझ पाए नवीद, अब दूसरी बॉल करवाएंगे रिजवान, सामना करेंगे नवीद और पहली बॉल पर आउट हो चुके हैं और दो माइनस। अगर नवीद ने जीतना है तो उनको बड़े शॉट्स लगाने होंगे और दोनों तरफ से बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त आज देखने को मिली है। अभी रिजवान आए और दूसरी गेंद करवाई और नवीद वाइट बॉल। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है मलेशिया में, इसलिए जो पीछे है ना वो थोड़ी सी गीली है और बैटिंग करने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है दोनों तरफ से। और ये उठाकर खेल दिया सिक्स, आउटस्टैंडिंग सिक्स फ्रॉम नवीद और मैच हो गया बराबर। अभी चार बॉल्स पर चाहिए इनको जीतने के लिए एक सिक्सिस, एक सिक्स जी। मैच हो चुका है बराबर, अभी तीसरी गेंद को लेकर रिजवान और नवीद को चाहिए एक सिक्स जीतने के लिए। देखना होगा क्या होता है इस बॉल पर। और ये उठाकर खेलने में बिल्कुल नाकाम और ट्राई कर रहे हैं कैच पकड़ने की, पकड़ लिया कैच। दो दफ़ा नवीद आउट हो चुके हैं और अभी इनको एक सिक्स चाहिए जीतने के लिए। अगर चौथी गेंद करवाएंगे रिजवान, देखना होगा सिक्स लग पर। ओ कमाल की शॉट उठाकर खेल दिया और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कितनी तेज़ धूप है और धूप में खेलना सिर्फ क्रिकेट लवर्स का ही काम है। और मुझे आज भी याद है कि मेरे जो दोस्त हैं बुरहान, फैसल, इंजमाम भट्टी, लुकमान मलक, तलमा खुरम, ये सब लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और ज़्यादातर गर्मी में ये खेलना पसंद करते हैं। पता नहीं क्या इनको शौक है। और ये नवीद ने मैच जीत लिया और अभी लास्ट बॉल है और वो कह रहे हैं कि मैंने लास्ट बॉल करवानी है, अगर आउट हो गए तो मैच हो जाएगा बराबर, क्योंकि ऑलरेडी चार माइनस हो चुके हैं। ये लास्ट बॉल है और वो ट्राई करेंगे आउट करने की, लेकिन नवीद उनको डा बहुत ही, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है और मौसम भी अल्लाह खैर करे अच्छा होगा। पहले बहुत ज़्यादा धूप थी और अभी अजान हो रही थी उसका वक्फा लिया, अभी मैच दोबारा स्टार्ट हुआ और पहली गेंद बिल्कुल डार्ट नहीं समझने दे रही यार, दोनों प्लेयर फुल फॉर्म में है। ये दूसरी गेंद अभी करवाएंगे ओवर की, पहली बिल्कुल डार्ट हुई और ये एच वाइड था लेकिन एच हो गया और बॉल डार्ट। पाकिस्तान की क्रिकेट भी बड़ी मज़ेदार थी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बकर भट्ट जो है, उनकी फास्ट बॉलिंग को इंजॉय किया काफ़ी और उनका बात बात पर नाराज़ हो जाना और ये कहना मैं नहीं खेलना ऐ मैं बैठा जे, और उसके बाद हम आज अच्छी बैटिंग करते हैं, लुकमान, बुरहान, फैसल, इंजमाम सब की बहुत याद आती है, मिस यू बॉयज, बी हैप्पी ऑलवेज। ओके जी, लास्ट बॉल पर लगा सिक्स, अभी चौथी बॉल और कमाल की बॉलिंग, कमाल आउटस्टैंडिंग। ओके जी, टूटू को गेंद करवाएंगे नवीद और कमाल की बॉलिंग यार, बिल्कुल नहीं समझ पाए, फुल टॉस बॉल थी लेकिन स्पीड इतनी तेज़ है कि वो नहीं समझ पाए बॉल को और डॉट। अभी तक एक सिक्स आया इस ओवर में और वन टू को बॉल है, देखना होगा कि नवीद सेव कर पाते हैं कि नहीं। रिजवान बैटिंग पर मौजूद हैं और बॉलिंग पर हैं नवीद, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि रिजवान इस बॉल पर सिक्स लगा पाते हैं कि नहीं। जी ओवर की लास्ट बॉल है और एक सिक्स अभी तक आ चुका है वाइट। जी लास्ट बॉल है ओवर की और अभी तक एक सिक्स लगाने में कामयाब हुए हैं रिजवान और देखते हैं कि इस बॉल पर वो सिक्स लगा पाते हैं कि नहीं। कमाल की शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट और उठाकर खेलने में कामयाब और अभी नवीद को जीतने के लिए चाहिए तीन सिक्स ओवर में। जी ये तीसरा मैच है, पहला मैच बिल्कुल टाई हुआ था और दूसरा नवीद ने मैच जीता था और ये तीसरा, अब नवीद को चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए और बिल्कुल नहीं समझ पाए। जी पहली बॉल बिल्कुल डॉट हुई है, अभी दूसरी बॉल करवाएंगे रिजवान, सामना करेंगे नवीद, तीन सिक्स चाहिए जीतने के लिए, बड़ा टफ मुकाबला और नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए, दो बॉल डॉट। अभी चार बॉल पर चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए और दो सिक्सेस बराबर। दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मज़ा हो रहा है, आज बैटिंग कोई खास देखने को नहीं मिली और ये देखने को अंपायर का इशारा वाइट। ले जी तीन बॉल हो चुके हैं नवीद को, बिल्कुल अब तीन बॉल्स पर चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए और बिल्कुल बड़ी तेज शॉट थी लेकिन नहीं सिक्स होगा। जी अभी दो बॉल्स पर दो सिक्स चाहिए और ये उठाकर खेल दिया और गेंद चली गई सड़क पर, काफ़ी लंबा सिक्स मारा नवीद ने। अभी लास्ट बॉल पर चाहिए लास्ट सिक्स मैच बराबर करने के लिए, नौ बॉल भी हो सकता है। ले जी मैच बड़ा टफ सिचुएशन पे पहुंच गया और एक बॉल पर चाहिए एक सिक्स नवीद को मैच बराबर करने के लिए। रिजवान फुल कोशिश करेंगे मैच को सेव करने के लिए और नवीद की ट्राई होगी कि वो मैच को करें बराबर। अभी ये देखना होगा, कुछ सेकंड में पता चल जाएगा कौन होगा सिकंदर। और रिजवान आए बाल की और नवीद ने और बिल्कुल डार्ट और मैच जीत लिया है रिजवान ने। तीन मैच हुए अभी तक और दोनों प्लेयर्स ने एक एक मैच जीता है
और एक मैच हुआ था ट्राई और ये उन्होंने शॉट लगाई, लेकिन देखना होगा सिक्स होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज कुछ बॉलिंग में चेंजेस नज़र आएंगे दोनों प्लेयर्स की तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मज़ारा हुआ है, लेकिन बैटिंग आज कुछ खास नहीं देखने को मिली और इसकी वजह मेरा ख्याल है कि विकेट जो है वो थोड़ी सी गीली है बारिश की वजह से। प्लेयर्स जो दोनों हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं दोनों, और मलेशिया में भी ये काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं अभी तक। मलेशिया में अभी जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले लोग ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये दोनों प्लेयर बड़े अच्छे लेवल पर यहाँ मलेशिया में क्रिकेट भी खेल चुके हैं क्लब्स वगैरह की तरफ से। जी ओवर की पहली दो बॉल्स डॉट हो चुकी हैं, अभी तीसरी गेंद करवाएंगे नवीद और सामना करेंगे रिजवान। मैं प्लेयरों का तारफ करवाता चलूँ कि रिजवान का ताल्लुक पाकिस्तान से, गुजरात से, और नवीद जो है वो है सियालकोट से, और ये है वाइट। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है फिर, और कमाल की, ओ माय गुडनेस, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम नवीद। ले जी नवीद मैच को सेव करने की फुल ट्राई में है और रिजवान फुल ट्राई है कि सिक्स लगा पाए। कमाल की शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट फ्रॉम रिजवान, और ये है सिक्स। जी चार बॉल पर एक सिक्स लग चुका है, अगर जीतना है तो बड़े शॉट्स लगाने होंगे, और वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। ले जी चार बॉल्स पर एक सिक्स लग चुका है और कमाल की शॉट, शॉट पिच के ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं रिजवान, और क्योंकि ये सीमेंट पिच पर ज़्यादा खेलते हैं तो इनकी शॉट पिच जो है वो काफ़ी अच्छी है, उनको अच्छी तरह ग्रिप में है। ले जी पांच बॉल पर दो सिक्स लग चुके हैं नवीद को, और अभी लास्ट गेंद करवाएंगे नवीद, कमाल की शॉट, देखना होगा कि बाउंड्री है या नहीं, और सिक्स। जी चौथा मैच है, बिल्कुल स्टार्ट है, नवीद को तीन सिक्स लगे हैं और मैं अभी इनको जीतने के लिए चाहिए चार सिक्सेस, और उठा के खेल दिया कमाल की शॉट, लेकिन पूरा सिक्स था और रुक गया सिक्स। पहली बॉल पर बड़ी अच्छी शॉट लगी थी लेकिन वो दरख्त से टकरा कर सिक्स रुक गया। अभी दूसरी बॉल और ये उठा कर खेल दिया, देखना होगा बाउंड्री है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग सिक्स, कमाल की बैटिंग है नवीद की तरफ से। पहली दो बॉल पर पहले दो सिक्स लग चुके थे लेकिन एक सिक्स जो मिस हो गया, अभी दो बॉल पर लगा है एक सिक्स। जी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है फिर, क्योंकि मलेशिया में मौसम का और बुरे वक्त का कोई पता नहीं है, कब भी बदल सकता है। अभी और स्लो डिलीवरी, नहीं समझ पाए स्लो डिलीवरी। अब तीन बॉल्स पर चाहिए दो सिक्स बराबर करने के लिए और तीन सिक्स चाहिए जीतने के लिए, वाइट बॉल था और खेल दिया। अब दो बॉल्स पर दो सिक्स चाहिए बराबर करने के लिए, जी दो बॉल्स पर चाहिए दो सिक्स, और देखना होगा कि नवीद मैच को बराबर कर पाते हैं कि नहीं। रिजवान भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं लेकिन और बिल्कुल नहीं समझ पाए, वाइट बॉल का इशारा नहीं, ये इन बॉल है, और अभी लास्ट बॉल है और दो सिक्स चाहिए बराबर, और ये हो गया लास्ट बॉल पर सिक्स। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम रिजवान, और रिजवान ने मैच कर लिया विन। ले जी पांचवा, कमाल की बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम नवीद बेग सियालकोट। ले जी दूसरी गेंद करवाएंगे नवीद, कमाल की बॉलिंग, ओ माय गॉडनेस, और उतना ही अच्छा शॉट खेला लेकिन सिक्स नहीं हो पाया। ये नेपाल के लोग हैं सारे और ये फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं साथ में। ले जी ओवर की तीसरी गेंद करवाएंगे नवीद, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए रिजवान, और देखना होगा इस बॉल पर, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं यार नवीद, ओ माय गॉडनेस, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं यार, क्या बात है, बिल्कुल नहीं रिजवान समझ पा रहे बॉलिंग को। ले जी नवीद बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि मैच को वो सेव कर पाए किसी तरीके, और नहीं समझ पाए बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार नवीद। जो चार बॉल हो गई अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई, और रिजवान भी फुल ट्राई में है कि वो सिक्स करें, पिछला मैच जीता था रिजवान ने। अभी पांचवी गेंद और बिल्कुल डॉट, गेंद काफ़ी स्पीड से है यार, और वो समझ नहीं पा रहे रिजवान बिल्कुल। अभी तक नवीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और लास्ट बॉल है, और देखते हैं कि वो ओवर को सेव कर पाते हैं कि नहीं, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई, और ये कमाल की बॉलिंग यार। जी नवीद को भी एक सिक्स चाहिए जीतने के लिए इस ओवर में, क्योंकि नवीद को कोई भी सिक्स नहीं लगा और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अब रिजवान करवाएंगे बॉलिंग और ये उठा कर खेल दिया और बॉल चली गई है रोड के ऊपर, आउटस्टैंडिंग, और ये नवीद ने मैच विन कर लिया पहली बार पर, मैच हो चुके हैं और ये हेलीकॉप्टर आया मैच देखने के लिए, ओके ये सिक्योरिटी के लिए है। अभी लास्ट, अभी पहला ही मैच, नहीं जी रिजवान आए बॉलिंग करवाई और नवीद बिल्कुल नहीं समझ पाए, और डॉट बॉल।
पांच मैच हो चुके हैं और उनमें से दो जीतियां नवीद ने, दो जीतियां रिजवान ने, एक मैच हुआ टाई और ये है छठा मैच और देखते हैं कि ये कौन जीता है। और कमाल की शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट नवीद, दो बॉल और एक सिक्स लग चुका है। अभी तीसरी गेंद करवाएंगे रिजवान, ये वाइट बॉल था लेकिन नवीद ने खेल दिया और मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, मेरी तरफ बॉल आ गई थी। अभी तीन बॉल पर एक सिक्स आया और चौथी गेंद करवाएंगे रिजवान, देखना होगा इस बार पर बाउंड्री आती है कि नहीं, वाइट बॉल जी। तीन बॉल्स पर एक सिक्स आ चुका है और चौथी बॉल करवाएंगे रिजवान, अभी वो देख रहे हैं कि जज कर रहे हैं कि नवीद को किस जगह पे बॉल करवाई जाए ताकि सेव हो, लेकिन नवीद भी फुल फॉर्म में है और सिक्स की ट्राई करेंगे और उठा के खेल दिया, क्या बात है यार, लॉन्ग सिक्स। देखो देखो कौन आया, नवीद बेग फ्रॉम सियालकोट और उनके अपोजिट हैं रिजवान फ्रॉम गुजरात, दोनों प्लेयर बड़े अच्छे हैं। चार बॉल्स पर दो सिक्स आ चुके हैं और पांचवी गेंद करवाएंगे रिजवान, सामना करेंगे नवीद, देखना होगा इस बॉल पर बाउंड्री आती है कि नहीं, और ये उठा खेलते लेकिन फुल टॉस तो नहीं जज कर पाए और ये फोर। अगर नवीद इस बॉल पर बाउंड्री लगा पाते हैं, अगर नवीद इस बॉल पर बाउंड्री लगाते हैं तो मैच आई थिंक इनके हाथ में होगा और बिल्कुल डांट नहीं समझ पाए। अभी रिजवान को चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए। आज के सिंगल विकेट का ये लास्ट मैच है और नवीद ने दो सिक्स लगाए हैं एक ओवर में और रिजवान को चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए। अभी देखना होगा कि रिजवान ये मैच विन कर पाते हैं कि नहीं। नवीद आए और बॉलिंग करवाई, कमाल की शॉट खेल ली लेकिन देखना होगा कि बाउंड्री हुई कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जी। पहली गेंद डॉट करवाने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं नवीद और दूसरी गेंद करवाएंगे और रिजवान करेंगे सामना और ये उठा के खेल दिया लेकिन देखना होगा कि सिक्स है या नहीं और कुछ भी नहीं है। ले जी दो बॉल्स हो चुकी हैं डॉट और तीसरी गेंद करवाएंगे नवीद, कमाल की बॉलिंग यार, कमाल की बॉलिंग। अब तीन बॉल्स पर चाहिए तीन सिक्स जीतने के लिए, दो सिक्स हैं बराबर, नवीद आए और बॉलिंग करवाई, कमाल की शॉट खेल दी लेकिन देखना होगा बाउंड्री हो पाती है या नहीं जी। अब दो बॉल्स पर चाहिए दो सिक्स जीतने के लिए, एक सिक्स है बराबर, देखते हैं कि मैच को विन कर पाते हैं कि रिजवान। नवीद आए और कमाल की शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट और मैच हो चुका है बराबर लास्ट बॉल पर, लास्ट सिक्स चाहिए जीतने के लिए। ले जी लास्ट बॉल पर होगा मैच का फैसला और ये उठाकर खेलने में कामयाब और मैच हो चुका है टाई जी। पिछला मैच हुआ था टाई और अब न्यू मैच स्टार्ट हो गया, सातवां मैच है ये और पहली गेंद करवाएंगे रिजवान, बिल्कुल नहीं समझ पाया डॉट बॉल। ये दोनों इस टाइम मलेशिया के कुरम चकवाल और तैमूर मिर्ज़ा हैं, दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और नो बॉल जी, पहली बॉल हो चुकी है डॉट और दूसरी गेंद करवाएंगे रिजवान। नवीद को चाहिए कि वो बड़े शॉट लगाएं अगर मैच को जीतना है और जवान बॉल को करेंगे सेव, वेल शॉट उठाकर खेल दिया और सिक्स जी, दो बॉल एक सिक्स और तीसरी गेंद करवाएंगे रिजवान और बिल्कुल नहीं समझ पाए, ये पूरा सिक्स था लेकिन नहीं जज कर पाए जी। तीन बॉल्स पर एक सिक्स, अभी तीन बॉलें बाकी हैं, देखना होगा कि कितने सिक्स और लगाते हैं। अगर इनको मैच जीतना है तो उनको मिनिमम तीन सिक्स लगाने होंगे लाजमी, क्योंकि रिजवान भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और उनमें कैपेसिटी है कि वो चेस कर सकें तीन और चार सिक्स, देखना होगा क्या करते हैं। और वाइट का इशारा था लेकिन एज हो चुका है, अभी तक छः मैच हो चुके हैं और कोई भी एक प्लेयर का मैच नहीं है, अभी तक छः मैचेस हो चुके हैं और बराबर हैं, कोई भी नहीं विन या कोई भी नहीं लूज़ हुआ, तो अभी देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं या नहीं। और कैच दो माइनस जी, लास्ट बॉल है और नवीद एक दफ़ा आउट हो चुके हैं, दो माइनस भी हो चुके हैं और अभी तक समझ लें कि एक सिक्स जीतने के लिए काफ़ी है रिजवान को। और वाइट बॉल फिर खेल दिया, तीन बॉलें खेल दी हैं वाइट इस ओवर में जी। रिजवान को अब एक सिक्स चाहिए जीतने के लिए क्योंकि नवीद एक दफ़ा आउट हो चुके हैं और उनका दो माइनस भी है और ये पहली बॉल नहीं समझ पाए डॉट। अभी देखना होगा कि नवीद इस ओवर में बाउंड्री को सेव कर पाते हैं कि नहीं, एक सिक्स चाहिए सिर्फ जीतने के लिए और नो बॉल जी। ये है फ्री हिट और देखते हैं कि क्या रिजवान इस बॉल से फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं, कमाल की बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग। आज तो नवीद में कर्नल जहद की जो लुक है वो नज़र आ रही है, बड़े अच्छे यार्कर करवा रहे हैं और बड़ी स्पीड के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं, कमाल यार, आउटस्टैंडिंग। तीन बॉल्स कोई सिक्स नहीं अभी तक और तीन बॉलों पर चाहिए एक सिक्स जीतने के लिए जी। नवीद करवाएंगे चौथी बॉल, अभी तक तीन बाउंड्री, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। ओ नो बॉल,
अभी तक नवीद ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजहरा किया और चार बॉल सेव हो चुकी है, कोई बाउंड्री नहीं, और पांचवी गेंद करवाएंगे नवीद और देखना होगा इस बॉल पर बाउंड्री नौ बॉल जी। अभी तक चार बॉल सेव हो चुकी हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है नवीद ने और पांचवी गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार वाइट बॉल जी। चार बॉल डॉट हो चुकी हैं, पांचवी गेंद करवाएंगे नवीद और कमाल की शॉट और ये हो गया सिक्स, कमाल की बैटिंग। मैच जीत चुके हैं लेकिन वो लास्ट बॉल करवाएंगे नवीद क्योंकि उनकी भी चार स्कोर है जी। लास्ट बॉल करवाएंगे ओवर की नवीद और वेल डन रिजवान, रिजवान ने ये मैच जीत लिया है और बड़ी अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा हुआ दोनों की तरफ से। ये आठवां मैच स्टार्ट होगा और पहली का बॉल बिल्कुल डॉट जी। दूसरी बॉल करवाएंगे नवीद और सामना करेंगे रिजवान, वाइट बॉल जी। लास्ट मैच जीता था रिजवान ने, अभी इस मैच की एक गेंद हुई है, कोई सिक्स नहीं है। कमाल की बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग जी। दो बॉल डॉट हो चुकी हैं, कोई सिक्स नहीं है। अभी तीसरी बॉल करवाएंगे और ये देखना होगा इशारा वाइट जी। दो बॉल कोई सिक्स नहीं है, तीसरी गेंद करवाएंगे नवीद, सामना करेंगे रिजवान और ये बिल्कुल डॉट जी। तीन बॉल और कोई सिक्स नहीं हुआ, अभी चौथी गेंद करवाएंगे नवीद, कमाल की बॉलिंग और देखना होगा सिक्स और ये बच गए हैं। अगर उस तरफ चली जाती तो ये सिक्स था। चार बॉल डॉट हो चुके हैं और कोई बाउंड्री नहीं आई, नवीद अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं और कमाल की शॉट और ये होगा सिक्स, आउटस्टैंडिंग शॉट जी। लास्ट बॉल है और पांच बॉल्स पर एक सिक्स लग चुका है, कमाल की बॉलिंग और फ्लिक किया नहीं, ये कुछ नहीं हुआ जी। नवीद को चाहिए जीतने के लिए दो सिक्सेस, बड़े ही इजी सिक्सेस लगाने होंगे अगर जीतना है तो, टफ मुकाबला हो रहा है बहुत ज़्यादा जी। मैच जीतने के लिए नवीद को चाहिए दो सिक्स एक ओवर में और क्योंकि रिजवान का एक सिक्स है और नवीद को लगाने होंगे दो सिक्स। रिजवान करेंगे पहली बॉल और कमाल का देखना होगा सिक्स नहीं, डॉट बॉल जी। रिजवान करवाएंगे दूसरी बॉल, पहली बॉल बिल्कुल डॉट हो चुकी है और दो सिक्स चाहिए जीतने के लिए और ये देखना होगा अंपायर का इशारा जी। ये फ्री हिट है और देखते हैं कि नवीद से फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। एक सिक्स चाहिए बराबर और ये सिक्स हो गया, कमाल की शॉट घेर दिया और मैच हो चुका है बराबर। अब देखना होगा कि चार बॉल्स पर नवीद एक सिक्स लगा पाते हैं कि नहीं जी। दो बॉल पर एक सिक्स लग चुका है और तीसरी गेंद करवाएंगे बिल्कुल डॉट। तीन बॉल पर अब चाहिए एक सिक्स जीतने के लिए नवीद को, मैच हो चुका है टाई जी। तीन बॉल पर चाहिए एक सिक्स, रिजवान आए बॉल करवाई और उठा कर खेल दिया लेकिन नाकाम जी। तो दो गेंदें बाकी हैं और एक सिक्स चाहिए जीतने के लिए, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम रिजवान। वन बॉल वन सिक्स लेफ्ट, अगर नवीद को चाहे, अगर नवीद जीतना चाहते हैं तो मैच को, अगर नवीद मैच को जीतना चाहते हैं तो फिर लगाने होंगे बड़े शॉट्स। आज का मैच जो है वो हो चुका है लेवल जी, ये लास्ट मैच हो चुका है लेवल।